प्रथम तहलका न्यूज इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंजाब के फरीद कोर्ट से। आपको बता दें कि फरीद कोर्ट में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दरअसल जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी भरे पत्र मिले थे, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम के साथ शहर में ये तलाशी अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, ढाबे और सभी होटल्स की ये चेकिंग की गई है। और इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। और इसी के साथ जनता से हड़बड़ाहट ना करने की भी अपील की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो पंजाब के फरीदकोट से आ रही है। आपको बता दें कि फरीदकोट में बीते दिनों जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी भरे पत्र मिले थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए शहर में हाई अलर्ट किया। और जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे पत्र मिलने के बाद ये तलाशी अभियान पूरे शहर भर में चलाया गया है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम के साथ ये तलाशी अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ढाबे और शहर के जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर चेकिंग की गई है। आपको बता दें कि इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के देखे जाने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। फरीदकोट महानगर आईजी साहब थे, एसएफ साहब की हदायत थे, अपने रेलवे स्टेशन, ढाबे, बस स्टैंड वगैरह चेक किए जा रहे हैं। सारे फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट होटल भी चेक किए जा रहे हैं, कोई बाहरला बंदा ना आके ठहरे तो कोई अनसकावी घटना ना वापर जाए, तो लवारस चीज़ों को चेक चुक कर रहे हैं। स्टेशन से कोई लवारस चीज़ ना मिल जाए तो सुरक्षा के ध्यान रखते हुए चीज़ा चेकिंग कर रहे हैं। लोगों को यह अपील है कि जे कोई लवारस चीज़ या कोई बाहरला बंदा, कोई लवारस मोटरसाइकिल गड्डी खड़ी है तो पुलिस को इतलाह दे, जिस तरह कोई अनसकावी घटना ना वापर सके तो पुलिस टाइम से पहुँच के इस चीज़ को अंजाम। फरीदकोट जिले सारी चेकिंग हो रही है।